हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यानी जितने भी बेल्टोन के डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं या फिर भविष्य में बढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोगों के लिए है ये वीडियो। आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना फ्रेंड्स, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। क्यों, मैं आपको मैं बताने वाला हूँ बेल्टोन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए किस तरह का नेट नोटिफिकेशन बेल्टोन निकालती है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में फ्रेंड्स, ठीक है, वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है, आप लोगों को ए टू जेड सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ जिससे कि आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए हमेशा के लिए तैयार रहें। इस वेबसाइट में जाना पड़ता है आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, ठीक है, और क्या क्या आपको रजिस्ट्रेशन करते समय डॉक्यूमेंट लगते हैं साथ में, और आपका शैक्षिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स साथ में पेमेंट फी जो आपका ऑनलाइन नहीं होता है ऑफलाइन होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे बेल्टोन के जो ऑफिशियल लेटर है जो न्यू रजिस्ट्रेशन निकाली थी 2018 को, उससे पहले का है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, ठीक है, सारी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बेल्टोन के वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, ठीक है, www.belton.in या फिर bsedcgovernment.gov.in, ठीक है, इस पर आप जाके यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे आपको लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन पेज खोलते आपका नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट जनरेट होगा, इसे आप नोट करें या फिर SMS के रूप में या ईमेल के रूप में आपको प्रेषित किया है, आपको ईमेल और SMS के थ्रू पासपोर्ट और रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट का उपयोग आप एक बार लॉगिन करोगे, उसके बाद आपका प्रोफाइल खुलेगा, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सारे फील्ड भरने पड़ेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे फोटो डालना पड़ेगा, हस्ताक्षर डालना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ, आपकी शैक्षिक योग्यता, सारा डिटेल्स यहाँ पर डालना पड़ेगा। आपका शैक्षिक योग्यता मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप 12 पास कर लिए हैं तो आप यहाँ पे बेल्टोन के फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है शैक्षिक प्रमाण पत्र लगेंगे, ठीक है, आपको सारे फील्ड यहाँ भरने पड़ेंगे, जैसे कि आपका मैट्रिक के सारा डिटेल्स यहाँ पर भरना पड़ेगा, उसके बाद इंटर का, तो आपको वहाँ पर फोटो साइज और हस्ताक्षर का साइज वहाँ पर आपको मिल जाएगा, कितने KB का आपको डालना पड़ेगा वहाँ पे, आप उतने KB का वहाँ पे डाल के यहाँ पे अपलोड कर सकें, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे चालान सृजित करना होगा, ठीक है, यानी कि आपको चालान जो है वो प्रिंट करे, यानी कि आपको सबसे पहले एक चालान प्रिंट करना पड़ेगा वहाँ से वेबसाइट साइड पे, ठीक है, उसको आपको इंडियन ओवरसीज बैंक में जाके 1,050 रुपया बैंक चार्ज के साथ 1,050 रुपया के साथ आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा। उसके साथ आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर निर्गत किया जाएगा, उसके आपको एक उसके साथ आपको बैंक के थ्रू यहाँ पे जो है एक आपको चालान मिलेगा, ठीक है, उस चालान को लेके आपको फिर से साइबर कैफे में जाना है, वहाँ पर आपको फिर यूज़र आई डी और पासवर्ड से लॉगिन करना है, और आपको वहाँ पर जो है आपके चालान नंबर को वहाँ पर डाल के सबमिट करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे दोस्तों साइट पे जाके लिंक को क्लिक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, पुनः खोले, आवेदन के अंतिम पृष्ठ को देखें
और ट्रांजेक्शन नंबर भरे, ट्रांजेक्शन नंबर जो है आपको वहाँ भरना पड़ेगा और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा। अब पेमेंट स्टेटस आपको पेड दिखाएगा, वहाँ पे लिखा हो रहेगा कि आपका पेमेंट स्टेटस जो है पेड हो चुका है आपके भरे हुए। उसके बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने जो है एप्लीकेशन को प्रिंट करके रख लेना पड़ेगा भविष्य के लिए, ठीक है। जब आपका बाद में काम आएगा तब आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रोसेस है बेल्टोन के, जब न्यू फॉर्म आएगी तो आपको इस तरह प्रोसेस के साथ अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख ले, मैंने जो बताया है आप अपने साथ डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही जल्द निकलने वाली है फ्रेंड्स, एक दो मंथ के अंदर तो निकल ही जाएगी 110%, ठीक है। और फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी बेल्टोन की न्यू वैकेंसी आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिलने वाली है। फ्रेंड्स बेल्टोन के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं CBT में, वो क्वेश्चन काफ़ी ईजी आते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उसमें घुमावदार क्वेश्चन बहुत होते हैं, मतलब घुमा फिरा के पूछा जाता है, जिससे आपका माइंड में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और आप यहाँ पे गलत ऑप्शन चूज़ कर लेते हो, इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आपको किस तरह से तैयारी करना है, ठीक है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।